हे व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हालचाल है आपके। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशीष। सो गाइस, फाइनली आज आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज आ चुकी है हमारी यूट्यूब की पहली पेमेंट और ये सारा पॉसिबल हो पाया आप लोगों की वजह से। आप लोगों का बहुत ही बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आपने अगर इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया होता, आपने इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया होता, तो शायद ही मेरी YouTube की तरफ से पहली पेमेंट आ पाती। और गाइस, आपको बता दूं कि मैंने अपनी पहली पेमेंट को यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे खो दिया था, गुम कर दिया था। मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसे आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरी पेमेंट तो यहाँ पे मुझे मिल गई, लेकिन हो सकता है शायद आपकी पेमेंट आपको ना मिल पाए। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा कि क्या मैंने गलती करी, कैसे मेरे पैसे यहाँ पे फंस गए थे, कैसे क्या हुआ और कितनी पेमेंट आई है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आपको हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो यार। सो गाइस, यूट्यूब के ऊपर जितने भी लोग काम करते हैं उनके एक ही उनका मोटिव होता है कि उनको यूट्यूब की तरफ से अच्छी खासी इनकम हो और उनका फेस की एक अच्छी खासी वैल्यू बन जाए। और मैंने भी इसी मोटिव के साथ यूट्यूब ज्वाइन किया था कि मुझे भी अच्छे खासे पैसे यहाँ पे अर्न करने हैं। यूट्यूब की तरफ से पहली पेमेंट यूट्यूब की आ चुकी है। सो गाइस, पहली पेमेंट जो मेरी आई है वो आई है ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ गाइज यहाँ पे आया है, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा लेट यहाँ पे मोनेटाइज हुआ था और मोनेटाइजेशन होने के लेट होने की वजह से यहाँ पर जो मेरी पेमेंट है वो आई अब आई है। और पिन मेरा वेरिफिकेशन का बहुत ज़्यादा डिले हो गया और जिसकी वजह से पेमेंट जो आनी थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिले हो गई, पर अब यहाँ पे पहली पेमेंट ये मेरी आ चुकी है। सो इस बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया जिसके वजह से जो मेरा पेमेंट था वो स्टक हो गया। सो गाइस, मेरे आपको पता होगा कि मैं बहुत टाइम पहले से गूगल एडसेंस यूज़ करता हूँ। अपने पहले मैंने आपको अपने एडसेंस अकाउंट भी शो किया था जिसमें ऑलमोस्ट मैंने $7,000 तक की अर्निंग करी हुई है यूट्यूब से। पर पहले उसके बीच में अब मेरे पास कम से कम 1 से 1.5 साल का गैप हो गया, मैंने एडसेंस यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया था और मुझे लगा कि जो मेरा बैंक है वो सेम उसका स्विफ्ट कोड अभी भी रन कर रहा है और मैं बैंक के पास नहीं गया और मैंने जो पुराना जो मेरा स्विफ्ट कोड था मैंने उसे ही यहाँ पे अकाउंट में डाल दिया। पर 3 दिन तक जब मेरी पेमेंट नहीं आई तो मैं बैंक के पास गया कि मेरी पेमेंट अभी तक क्यों नहीं आ, मेरे अकाउंट में क्रेडिट की गई है। सो वो कहते हैं कि उनके पास पेमेंट ही नहीं आई है कोई। मैंने जब उनसे पूछा कि आपका स्विफ्ट कोड वगैरह मैंने शो किया, पेमेंट प्रूफ वगैरह शो किया, रिसिप्ट वगैरह शो की, तब वो कहते कि वो उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि किस ब्रांच के पास उनकी पेमेंट गई है, क्योंकि उस बैंक का स्विफ्ट कोड वहाँ पे क्लोज़ हो चुका था और स्विफ्ट कोड क्लोज होने की वजह से जो पेमेंट थी वो रैंडमली किसी बैंक में चली गई थी, जो भी यहाँ उसका सेकंड ब्रांच है उसके किसी दूसरे ब्रांच में पेमेंट चली गई थी। सो भगवान की इतनी दया है कि जिस बैंक के पास गया था उस बैंक में मेरे एक नॉन के मैम हैं, तो उस मैम को मैंने कॉन्टैक्ट किया, तब जाके जो मेरी पेमेंट थी वो रिलीज़ की गई है। सो गाइस, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप जब भी स्विफ्ट कोड डालें तो बैंक के पास जाए, ब्रांच के पास जाए, उनसे पूछें कि हाँ भाई उनका जो स्विफ्ट कोड है वो रनिंग में है या नहीं है, और उन्हीं से पूछ के ही अपना स्विफ्ट कोड आप अपने पेमेंट में डालें, एड्रेस में डालें, जो भी आप अपना एडसेंस अकाउंट में जो अपना अकाउंट नंबर जब डालेंगे तो स्विफ्ट कोड वहाँ से डालें। और मैंने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही कर दी कि मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया कि हाँ, मुझे लगा कि आज से 1.5 साल पहले भी मेरी पेमेंट सेम अकाउंट्स में आती थी तो अब भी ये आ जाएगी, बट यहाँ पर मैं गलत था और इस गलती की वजह से मेरी यहाँ पे जो पेमेंट थी वो स्टक हो गई और दोबारा मुझे इतने सारे कॉल्स वगैरह करने पड़े, तब जाके मुझे यहाँ पे मेरी पेमेंट मिल सकी। थैंक यू कुलविंदर मैम, आपकी वजह से मेरे यहाँ पे जो पेमेंट है वो आ पाई है। और आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा पेमेंट कहाँ जाता, मुझे शायद मेरे पेमेंट फर्स्ट पेमेंट यहाँ से मिलता ही नहीं। सो गाइस, ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि YouTube पे जब भी कोई काम करता है, मेहनत करता है, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले सेटअप करो, वीडियो कंटेंट ढूंढो, उसको शूट करो, उसको बना अपलोड करो, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और जब आपकी पहली पेमेंट ही आपसे गुम हो जाए तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे बुरा लगता है। और काफ़ी टाइम से जो मेरे चैनल के ऊपर है एक स्ट्राइक चल रही थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वीडियोज़ भी अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जो मेरी ऑडियंस थे, रीच थे, वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, क्योंकि जो पुरानी वीडियोज़ है वही डेली व्यूज़ में व्यूज़ आ रहे थे, मैं कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो गाइस, यही आप सबके साथ था कि मेरा एक्सपीरियंस, पहली पेमेंट आ चुकी है हमारी फाइनली, और मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए कुछ यहां पे स्पेशल करने के लिए।
सो कमेंट करके बताओ आपके लिए मैं क्या स्पेशल कर सकता हूँ, कोई स्पेशल वीडियो, या फिर सोच रहा हूँ ये दो ट्राइपॉड का गिव अवे किया जाए। एक गिव अवे, एक ट्राइपॉड मैंने अपने लिए मंगाया हुआ है। अगर वो ट्राइपॉड मुझे पसंद आया कि हाँ वो ट्राइपॉड बेटर है, सो देखता हूँ मैं वो दो ट्राइपॉड्स आप लोग के लिए गिव अवे के तौर पे ले आता हूँ। सो गाइस, जय राम जी की, मिलते हैं एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।